मर्द की अना कभी उसे इजाजत नहीं देती कि सॉरी बोले, माफ कर दो मैं बिला वजह। लेकिन ये अगर पैदा होती है तो जिंदगी जो है खुशगवार हो जाएगी, गुलिस्तान बन जाएगी ये जिंदगी। अगर टकराव के बजाय एक जब कोई बोल रहा है, एक तरफा, दूसरा आदमी बिल्कुल खामोश। जब कुछ बोला है मर्द बिल्कुल खामोश हो जाए, इसके जरिए से अज़्दवाज़ ज़िंदगी इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल हो सके। सवाल करते हैं कि अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए हम वालदैन क्या कर सकते हैं। सवाल यह है कि कामयाब वालदैन कैसे बन सकते हैं या वालदैन आप कैसे हो सकते हैं। देखिए वालदैन पहली बात समझ लें कि ये जो बच्चे आपको अल्लाह ताला दिए हैं खाली खेल खिलौने नहीं है, खेलने की चीजें नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तगाबुन सूरह 64 आयत नंबर 15 में कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ उसका अज्र है, यानी जो भी उस आजमाइश में कामयाब हुआ उसको अल्लाह के यहाँ पर अज्र है। तो एक आजमाइश है, एक टेस्ट है, टेस्ट है, अल्लाह का इम्तहान है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह 66 आयत में 6 में क्या ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल आयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अपने आप को खाली बचाने का नहीं है, अपने औलाद को भी बचाने का है उस जहन्नम की आग से, और उनको उस जहन्नम की आग से बचाने के सारे सामान हमको तैयार करने हैं। लिहाजा ये खेल खिलौने नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। तो उसके लिए करना क्या है, आप कामयाब कैसे बन सकते हैं, कामयाब कैसे हो सकते हैं, सुन लीजिए। एक कामयाबी के लिए आपको करना यह है कि सबसे अहम चीज जो दरकार है आपको देना है, आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, उसका नाम है वक्त। आपको वक्त देना है अपने बच्चों के लिए, और उसके लिए क्या करना है। नंबर एक, सबसे पहले आप अपने मामला दुरुस्त कर लीजिए। बच्चे माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं माँ बाप के झगड़ों को, माँ बाप के मामलात को, अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए। नंबर दो, अपने बच्चों की घुट्टी में दीन 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 तकवा 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 पिला दीजिए उसको, फिर आपको कहीं भेज दीजिए। कई आते हैं मेरे पास गाइडेंस के लिए वालिदैन कि हमें बच्चों को बाहर हम भेजें क्या, क्यों खराब होने का बिगड़ने का डर रहता है ना। बिगड़ने का डर जो है वो उनको रहता है जिन्होंने अपने बच्चों को तकवा उसकी घुट्टी में नहीं पिलाया, उनको डर रहता है। तो आप वक्त दे दें अपने बच्चों को। अब जब वक्त देने की बात आती है, वक्त देने की जो बात आती है अपने बच्चों के लिए, यहां पर हो क्या रहा है, बदकिस्मती से मुस्लिम जो समाज है उस समाज में आज सबसे ज्यादा सिंगल पेरेंट्स का तस्वीर जो है वो मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा है ने? बाप जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है बच्चों की जिंदगी में। कहीं कहीं मजबूरी हम जानते हैं, बाहर कमा रहे हैं, कहीं बाहरी मुल्क में कमा रहे हैं रोजी रोटी के लिए हम समझते हैं, लेकिन यहां पर होते हुए भी अपने बच्चों के साथ होते ही बच्चों के साथ नहीं। और माएं सिंगल पेरेंट्स बनी हुई हैं, माएं जो हैं वो माँ का रोल भी अदा कर रही हैं और बाप का रोल भी अदा कर रही हैं। टूट जाती हैं ये माएं कि बोझ धोते धोते। और बाप का मामला कैसा होता है इस ताल्लुक से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेचारे मजदूर लोग हैं 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, वो खाली अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी मामला वही है। इसकी मिसाल दूंगा उसकी, एक बीवी जो अपने शोहर से कहती है आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने टॉप हैं, ये हैं, मैं हमेशा स्कूल में जाती हूँ, ओपन डे पे जाती हूँ, सब देखती हूँ, होमवर्क करती हूँ, देखती हूँ सारे उसके काम देख रही हूँ, कम से कम आप थोड़ा सा उसको पढ़ाइए, थोड़ा सा ये तो कर लीजिए। अब बड़ी हुज्जत के बाद में बाप तैयार होता है अपने बच्चे की स्टडी देने के लिए। देखिए बाप स्टडी ले रहा है बच्चे की, बच्चा है चौथी स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, चौथी क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, बाप जो है वो पढ़ाई ले रहा है, वो स्टडी ले रहा है अपने बच्चे की, चौथी क्लास में बच्चा है उसकी स्टडी की ले रहा है, पढ़ाई ले रहा है। कैसे ले रहा है, बच्चे से पूछता है सवाल, बच्चे ये बताओ कि बेल्जियम का कैपिटल क्या है। बोला अब्बा मैं फोर्थ में हूं। हाँ तो क्या हुआ, बेल्जियम तो है कैपिटल भी है ना, बताओ बेल्जियम कैपिटल क्या। अच्छा ये बताओ कि फिलिपाइन की करेंसी क्या है। बोला अब्बा मैं फोर्थ में हूँ। हाँ तो क्या हुआ, बताओ नहीं। अच्छा ये बताओ तुम कैसे साबित करोगे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ऐसे प्रूव करो। लब्बा मैं अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उसमें हूँ, फौरन बुलाते हैं, बोले आओ देखो अपने लाडले को, तीन सवाल पूछा मैंने, एक का जवाब नहीं आया। ये जो है ये भागने के रास्ते हैं। बाप का रोल कुछ इस तरीके से होता है, वक्त दीजिए तो आपके बच्चे जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे और आप भी कामयाब वालिदैन कहलाएंगे। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।